नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है आपका। दोस्तों, चार वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। हलियापुर चौराहा अमेठी में पड़ता है और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है चारों वीडियो में। तो ये पांचवी वीडियो है, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप हलियापुर आए हुए हैं, हलियापुर आने के प्लान में हैं या हलियापुर के आरे बगल में, जैसे कुमारगंज, हलियापुर और सुकुल बाजार, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कहीं भी रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और वीडियो शेयर करना मत भूलना। चलिए चालू करते हैं वीडियो। तो अगर हलियापुर की देखा जाए चंदन भाई, तो हलियापुर में ऐसी कौन कौन सी दुकानें हैं जहां पे आदमी जाए तो अच्छे खासे सामान मिल सकते हैं कम रेट में? देखिए, ऐसा होता है ना जी, दुकान तो बहुत है वहाँ पर जी, ऐसे दुकान है। जैसे अगर आपको मिठाई के जी आदमी क्या कोई बाजार का नाम लेते हैं तो क्या याद आता है? जलेबी, मिठाइयाँ जी जी, ये सब चीज़ ज़्यादा याद आती है जी, खाने पीने के लिए जी। तो रह गई बात इस सब चीज़ के लिए, तो हमारे यहाँ दो तीन दुकान है बहुत फेमस है जी। आप कभी आइएगा तो एक बार जरूर उनके यहाँ सेवन करिएगा इस चीज़ का जी। जैसे कि एक शिव कुमार जी, उनके यहाँ का समोसा बहुत फेमस। अच्छा, हलियापुर? हाँ, हलियापुर जी जी। और एक है अशोक जी जी, इनके यहाँ भी समोसा आपको बहुत बढ़िया मिलेगा जी जी। दोनों दुकान पे समोसे की भरमार रहती है। अच्छा, और जलेबी है, मिठाइयाँ भी, मिठाइयों के मामले में शिव कुमार की दुकान जी, और समोसा वमोसा ब्रेड पकौड़े के मामले में अशोक की दुकान जी जी जी। और समोसा शिव कुमार के यहाँ का भी फेमस है, ऐसी बात नहीं जी, वो कम्पल्सरी मतलब दोनों जगह पे समोसा मिल जाएगा बढ़िया जी। लेकिन मिठाइयाँ, मिठाइयाँ शिव कुमार के यहाँ जी जी, हलियापुर चौराहे। हाँ, हलियापुर चौराहे में मिठाई नंबर एक। अच्छा, अगर कपड़ा और बताता हूँ आप जी जी, ये तो एक मैंने छोटी इन्फॉर्मेशन दी, जैसे आप सड़क से जा रहे हैं तो जी, अगर आपको अधिक मात्रा में चाहिए जी जी, तो हमारे यहाँ है एक, उनका नाम बहुत ही अच्छे टाइप, अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति हैं जी जी, और फेमस भी हैं हमारे यहाँ के, राजनीति में है जी जी, राजनीति में जी। तो उनका नाम है अजय सिंह जी जी, शिवा डेयरी, आपने नाम सुना होगा जी जी। शिवा डेयरी हमारे इलाके की सबसे फेमस डेयरी है। चलिए, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, वो जो है जी जी, उनके जो है अजय सिंह, अब शिवा डेयरी ही है, अजय सिंह का ही है ना शिवा डेयरी, उन्हीं का है जी। तो अजय सिंह का ही है शिवा डेयरी, उसमें कितनी बड़ी मात्रा में पशुपालन है आपको जी जी जी, इसका कोई जवाब नहीं। बहुत सारी गाय, बहुत सारे मतलब भैंस, बहुत सारे जानवर हैं, तो वहाँ दुग्ध की मात्रा बहुत से ज़्यादा है जी जी। तो वो क्या करते हैं, दुग्ध भी सप्लायर करते हैं और एक से एक मिठाइयाँ बनाते हैं जी, और वो मिठाइयाँ फेमस है जी जी। जो मैंने पहले बताया था वो दुकानदार है, लेकिन जिसका मैंने अब जिक्र किया अपने इसमें जी, आपके चैनल में जी, वो समझ लीजिए भंडार है जी। भंडार है, भंडार है सब चीज, क्योंकि वहाँ पर देखो मिठाइयाँ जो है दूध से बनती है, दूध मिठाई से, और जहाँ पर ये सब चीज ज्यादा है वहाँ भंडार है, उनके यहाँ एक से एक मिठाइयाँ आपको मिलेगी। नहीं, बात आपकी हकीकत है, भंडार नहीं, बात आपकी हकीकत है, लेकिन मतलब इतना इस प्रकार से आपने व्याख्या की कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आपकी पर्सनल दुकान हो, आप उसको प्रपोज कर रहे हैं। हमारे यहाँ की है तो पर्सनली है ना, हम उनको जानते हैं, उनके यहाँ आए गए हैं, तो पता है। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपके द्वारा इंटरव्यू दिए। और ये जो मिठाई के बारे में आपको जो बताया, जरूर कर लीजिएगा।